कहने को हम मुसलमान हैं लेकिन इस्लाम पर अमल करते हुए नज़र नहीं आते। हमारे बाहर कमर्शियल एरियाज में वॉशरूम्स देख लीजिए, हमारे बैठने का तौर तरीका देख लीजिए, एयरपोर्ट्स पर जाकर देखिए हम किस तरह से गन मचाते हैं, फ्लाइट्स के अंदर हम मुस्लिम्स के ऊपर ये लेबल लगा हुआ है कि हम क्या करते हैं, हमारा रहन सहन किस तरह का है, नाप तोल में हम क्या करते हैं, और उसके बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वंडर्स हो जाए। हम वो हैं जिनके 313 का मुकाबला हजारों से था। ये वायरसेस तो कोई बड़ी चीज़ है ही नहीं अगर हम दीन इस्लाम को फॉलो करते हैं। पैनिक हम क्रिएट कर लेते हैं, एक तरफ हम कलमा गो हैं और दूसरी तरफ हमारे मामलात कुछ और हैं। जुनैद भाई से इस पर पूछते हैं। जुनैद इकबाल भाई, अब प्रैक्टिसिंग मुस्लिम और प्रैक्टिसिंग इस्लाम के दाई हैं हम, लेकिन हमारे जो तौर तरीके हैं वो कुछ अजीब सही हैं, इस पर कॉमेंट प्लीज़। अरे ये तो साहब पूरी दास्तान है, कमेंट क्या, आपने तो एक ऐसा मौजू छेड़ दिया है कि जिसपे दिल जो है वो जिसपे अगर आप दिल को खोल के देखें ना तो छाले हैं इसमें। यानी फर्द से लेकर कौम तक और कौम से लेकर उम्मत तक सिवाय बदहाली के और कुछ नजर ही नहीं आता मुझे जमील भाई। यानी सूरत हाल ये है कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। बात यह है कि आज हम अपने आप को नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे तक देखते हैं तो सिवाय हमें बर्बादी के और तबाही के कुछ नजर ही नहीं आता। यानी एक शख्स, मैं आपको छोटी सी मिसाल देकर बात करता हूँ, बात आसानी से समझ आ जाएगी। एक दूध वाला जो है, गवाला जो है, वो दूध के अंदर पानी मिला रहा होता है, सामने टीवी लगा हुआ होता है, टीवी पे हुक्मरानों को देख के गालियां दे रहा होता है कि करप्ट इसे उतार देना चाहिए। वो खुद क्या कर रहा है उसको नहीं मालूम, वो खुद जो दूध में पानी मिला रहा है उसको नहीं देख रहा। एक 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 गोश्त बेचने वाला जो है सुबह गाय को काटता है, ज़िबा करने के बाद सामने अगर कहीं उसके मिज़बा खाने में जो है अगर वो टीवी वगैरह लगा होता है तो टीवी पर पुरानों को देख के गालियां देता है, और उसी उसी यानी उसी कसाई के हाथों से जो है वो बाकायदा पानी का पाइप जो है उसकी रगों के अंदर जो है वो डाला जाता है और उसके अंदर पानी भरा जाता है और गोश्त के वजन को बढ़ाकर लोगों को बेचा जाता है और उसके बाद जो है खुश है। एक आदमी जो है वो आटा बेच रहा है और दालें बेच रहा है साहब, और मुख्तलिफ किस्म के मसाले बेच रहा है, उसके अंदर रंग मिला रहा है, पाउडर मिला रहा है, चाय की पत्ती की जगह जो है उसके अंदर बुरादा मिला रहा है, और वो हुक्मरानों को देख के गालियां देता है कि ये करप्ट है, इनका एहतसाब होना चाहिए, इनको उतार देना चाहिए। वो खुद नहीं देखता कि वो खुद क्या कर रहा है। मैं देखना अभी जो मास्क के साथ हुआ है, मास्क बेचने वाला जो है जखीरा अंदोजी कर रहा है, लोगों की मजबूरियों से फायदा उठा रहा है, जबकि मास्क कोई बहुत बड़ा तदारुक नहीं है इस बीमारी का।